हे गाइस वेलकम बैक। माय नेम इज अभिषेक साहू। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का पार्ट सेकंड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बातें जरूरी हैं, वो आपसे कहना चाहूंगा मैं कि इससे पहले जो हमने कॉम्बिनेशन का पार्ट फर्स्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हमने बहुत ज्यादा जरूरी बेसिक्स प्लस कॉन्सेप्ट प्लस कुछ बेसिक न्यूमेरिकल जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, केवल न्यूमेरिकल, और अगली वीडियो में भी हम करेंगे केवल और केवल न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे प्लस आपके कॉम्पिटिशन के लिए एक अच्छा सा बेस बन के तैयार हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि न्यूमेरिकल्स के अंदर मुझे कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर मैं आपसे कहता हूँ कि पार्ट वन को एक बार जरूर देख लेना। यूट्यूब पे लिखना कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पार्ट वन बाय अभिषेक साहू, आपको जो वीडियो मिलेगी, मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपके बेसिक में फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो न्यूमेरिकल में काम आएंगे, जो आपके हर जगह काम आएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और छोटी सी बात आपसे जरूर कहूंगा कि कुछ ब्रीफ में पुराने वीडियो का रिविजन कर लेते हैं, ताकि जो है ना आज की इस वीडियो में आपको एक अच्छी सी फील आ जाए, ठीक है ना, एक माहौल बन जाए। देखो मैं आपसे कहता हूं कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानने का सही तरीका क्या होता है, तो क्या बोलोगे, बोला सारे कैपेसिटर लाइन में लगे तो सीरीज, और सारे एक के नीचे एक लगे तो पैरेलल, तो हमारा आंसर आप सही हो, लेकिन आप थोड़ा सा और सही बनो ताकि हमारी जो है ना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। मैंने कहा सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान बताओ, तो क्या बोलना, बोला सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो चार्ज है वो बटता नहीं है। क्या नहीं होता, चार्ज बटता नहीं है, ठीक है ना। जितना चार्ज पहले कैपेसिटर से पास हुआ उतना ही दूसरे कैपेसिटर से पास होगा, उतना ही तीसरे कैपेसिटर से पास होगा। क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई भी रास्ता नहीं है। जबकि हम देखते हैं, बोला यहां से अगर कोई चार्ज गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो उसके पास तीन रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं, बोला उसके पास तीन रास्ते हैं, तो हम बोलते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या बोलोगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जबकि यहां पर इसकी मजबूरी है, जबकि यहां पर इसकी सीरीज कॉम्बिनेशन में मजबूरी होती है कि यहां पर जो पूरा का पूरा चार्ज है, लेट्स से 10 माइक्रो कूलम का अगर चार्ज यहां से पास हो रहा है, तो पूरा चार्ज हर कैपेसिटर से सेम होगा। क्या बोलोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q, हर कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू सेम होगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा जरूरी नहीं होता, अपनी अपनी कैपेसिटेंस के हिसाब से यहां पर चार्ज की वैल्यू डिसाइड होती है, समझ गए ना। मतलब चार्ज बटता तो है ही, इतनी बात तो क्लियर है, चार्ज बटता तो है ही। 10 माइक्रो कूलम का चार्ज अगर यहां से गया, तो यहां पर 10 माइक्रो कूलम किसी एक के पास नहीं पहुंचेगा, सबके पास कुछ कुछ अपने अपने हिसाब से चार्ज पहुंच जाएगा। तो क्या बोला कि यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, क्योंकि रास्ते ही नहीं होता, और यहां पर अलग अलग रास्ते होते हैं, इसलिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अब याद रखेंगे, बोला पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए एक जरूरी सा पॉइंट है कि यदि किसी भी कॉम्बिनेशन में, यदि किसी भी सर्किट में, यदि किसी भी नेटवर्क या किसी प्रॉब्लम में अगर जिस पॉइंट से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, मान लेंगे कि भाई वो जो पॉइंट्स हैं, वो जो लाइंस हैं, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हैं, बात समझे, वो तो कैपेसिटर किसके अंदर हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, अगर उनमें आने वाला चार्ज दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में, चार हिस्सों में बट गया, तो ठीक है ना, जहां से चार्ज बटा वहां पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है ये, तो चलिए अब इसके बेसिस पर हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक चीज और समझ लें, जो हमने पहले भी समझी हुई है, क्या कि जब तक चार्ज के रास्ते में मुश्किल, रुकावट, बाधा, प्रॉब्लम, कंडीशन इस तरह की नहीं बनती, तब तक पोटेंशियल की वैल्यू ड्रॉप नहीं होती। क्या बोला मैंने, कि जब तक चार्ज के रास्ते में कोई एक्सटर्नल कंपोनेंट रोकने वाला उसको ना आ जाए, तब तक पोटेंशियल की वैल्यू ड्रॉप नहीं होती। मैंने कहा यहां पर अगर पोटेंशियल है 100 वोल्ट, तो यहां पर भी क्या होगा 100 वोल्ट, यहां भी क्या होगा 100 वोल्ट, यहां भी क्या होगा 100 वोल्ट, आइडियल कंडीशन में, ठीक है ना। तो देखो ये 100 वोल्ट, अब देखो यहां पर क्या 100 वोल्ट, ठीक है, तो अब क्या होगा, इसके रास्ते में क्या आ गया, बोला कैपेसिटर के आ जाने से इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, क्योंकि यहां पे जैसे मान लो 80 वोल्ट हो गया, ये 60 वोल्ट हो गया, तो क्या होगा, दूसरा कैपेसिटर यानी कि दूसरी रुकावट, तो यहां पे कुछ और कम हो जाएगा। फिर उसका तीसरी रुकावट यानी तीसरा कैपेसिटर को चार्ज को पास करना है, तो यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहां पे क्या बोलोगे कि यहां पर चार्ज सेम रहता है जबकि पोटेंशियल बदलता रहता है। क्या बोलोगे, चार्ज सेम रहता है जबकि पोटेंशियल बदलता रहता है, ये बात अपन को याद रखनी है। दूसरी बात हम क्या याद रखेंगे, दूसरी बात हम ये याद रखेंगे कि यहां पर ये कंडीशन बनती है कि चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, चार्ज तो बदल जाता है, लेकिन पोटेंशियल तीनों के अंदर सेम रहता है। बोला कैसे, कि देखो ये 100 वोल्ट से कनेक्ट है, ये 100 वोल्ट, ये 100 वोल्ट, यहां पे 100 वोल्ट, अब ये 100 वोल्ट यहां पर,
ठीक है ना, ये कौन सी, ये वाली प्लेट किस किससे कनेक्ट है, बोला पॉजिटिव से, दैट मीन किस पे है, 100 वोल्ट पे। ये किससे कनेक्ट है, देखो ये भी 100 वोल्ट से कनेक्ट है, ये किससे कनेक्ट है, ये भी 100 वोल्ट से कनेक्ट है, और ये वाली मैंने कहा ये जीरो पर है, तो ये जीरो पे, ये भी जीरो पे, ये भी जीरो पे, तो हमने क्या देखा, हमने क्या देखा, बोला सबका पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि सबके ऑपोजिट प्लेट एक ही कॉमन टर्मिनल से कनेक्ट है जो कि ये वाला है। तो क्या बोलोगे कि यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू जो है सबके लिए सेम रहती है, पोटेंशियल सबके लिए बराबर है, पोटेंशियल, यस दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए बराबर है। ठीक है, एक जरूरी सा कॉन्सेप्ट कि अगर आपको कहा जाए कि भाई कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला क्या, तो हमने पढ़ा हुआ है क्यू इज इक्वल टू सी वी, क्या पढ़ा हुआ है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो अगर मुझे कुछ भी निकालना है मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, ठीक है ना, अगर मुझे कैपेसिटेंस निकालनी है क्यू बाय वी लगा दूंगा, वी निकालना है तो क्यू बाय सी लगा दूंगा, ये सारी बातें करूंगा। तो देखो अब हम करेंगे न्यूमेरिकल, और सबसे पहले हम न्यूमेरिकल कौन से करेंगे, बोला फाइंडिंग द कॉम्बिनेशन, पहले क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन को समझना सीखेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन कैसे है और उसको सॉल्व कैसे करना है। तो अब हेडिंग बना दो आप न्यूमेरिकल नंबर वन, तो देखो पहला क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सिर्फ इतनी सी बात करनी है कि क्वेश्चन को अपन नोट करें, ठीक है, और क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दिया गया, और समझना कि अब हम किस तरह से हमारी जो है सॉल्व करने की जो टेक्निक होगी वो क्या होगी, थोड़ा सा आराम से चलेंगे ताकि आपका जो है ना एक एक करके जो है सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर पहुंचते रहे। लेट्स सपोज वो कंडीशन दे दी गई कि आपके पास एक कैपेसिटर इस तरह से लगा हुआ है, इसके बाद तीन कैपेसिटर आपके इस तरह से लगा दिए गए, ठीक है ना, ये पहली वाली जो लगी हुई है ना ये बैटरी है, ये लो पहली वाली बैटरी है, इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 4200 वोल्ट, ठीक है, इसको मान दिया कि ये 10 माइक्रोफेरेड का है, ठीक है ना, ये 10 माइक्रोफेरेड का है और ये 20 माइक्रोफेरेड का है, इसको मान लो 20 माइक्रोफेरेड, ठीक है, इसके बाद क्या करें, बोला यहाँ पे देखो इसको मान दो कि भाई ये हो गया आपका 40 माइक्रोफेरेड का, ठीक है। अब कंडीशन को समझना, सबसे पहले हमें काम करना होता है कि हम पहचाने कि हमारा नेटवर्क किस तरह का है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, इसके बाद हमें यह देखना है कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो देखो हमसे क्वेश्चन में पूछ दिया गया कि फाइंड टोटल चार्ज, क्या निकालना है, फाइंड टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज को निकालने का तरीका क्या, तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या बोला, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी, है ना, C into V, तो C into V का मतलब क्या है कि पहले मुझे इस पूरी टोटल चार्ज है ना, तो टोटल चार्ज इज इक्वल टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, तो देखो इसका मतलब मुझे टोटल कैपेसिटेंस निकालनी पड़ेगी, और टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए मुझे सर्किट को, इस नेटवर्क को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करें, इस सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं, क्या करते हैं, सिंप्लीफाई यानी कि इसको छोटा बनाते हैं। तो देखो यहां से चार्ज गया, छोटा बनाते हैं, यहां से चार्ज गया, और जितना भी चार्ज बैटरी से निकलेगा वो चार्ज कहाँ जाएगा, बोले इससे पास होगा, यानी कि पूरा चार्ज इससे पास होगा, ठीक है ना, ये चार्ज पहुंचा यहाँ पे, अब इसको तीन रास्ते मिल गए, एक ये दो, यहाँ से घूमते हुए और यहाँ से घूमते हुए तीन, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो तीन कैपेसिटर हैं ये पैरेलल में, किसमें है, पैरेलल में। हमारा टारगेट क्या है कि टोटल चार्ज इक्वल टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो मुझे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इस पूरी सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करें, ऐसे करते हैं, बोले 20, 10, 10, ये तीनों पैरेलल में, क्यों, क्योंकि यहां से करंट, यहां से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, कैपेसिटेंस अगर कैपेसिटर पैरेलल में हो तो एडअप हो जाती है, तो 10 प्लस 10 प्लस 20, तो उसका मतलब 40 माइक्रो फैराड, ठीक है। अब ये तीनों मिलकर के 40 माइक्रो फैराड काम करती हैं, तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं कि ये बड़ी जो अपनी बैटरी लगा दी, ये एक कैपेसिटर, और इन तीनों की जगह एक कैपेसिटर लगा देता हूं इस तरह से, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो तो ये हमने क्या बना दिया, ये अपना एक मेन सर्किट है और ये आपका सिंप्लीफाइड सर्किट है, ये 40 माइक्रोफेराड और ये 40 माइक्रोफेराड। अब मुझे जरा अपने नजर के चश्मे से ये बताओ कि ये जो है ना ये सीरीज में है या पैरेलल में, बताओ ध्यान से, ये सीरीज में है या पैरेलल में, क्या बोलोगे, ये सीरीज में है, क्यों, अब देखो अगर हम ये इस तरह से रखते हैं तो जितना चार्ज यहां से जाएगा उतना ही चार्ज यहां से जाएगा, तो सीरीज का देखो मैं आपको डायरेक्ट सा फॉर्मूला बता दूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला अपन याद रखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी कि दोनों कैपेसिटेंस का इनटू डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन,
मान लो यहां पे कितना है, बोला 40 माइक्रोफेरेड, ये 40 माइक्रोफेरेड, तो हम इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, C1 C2, यानी कि 40 माइक्रोफेरेड इंटू 40 माइक्रोफेरेड, ठीक है, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, यानी कि 40 प्लस 40, 80 माइक्रोफेरेड, माइक्रोफेरेड से माइक्रोफेरेड कैंसिल हो गया, और यहां पे देखो कैंसिल कर दो, 42 जा और ये 20, समझ गए। तो यहां पर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आ गई वो कितनी आ गई, 20 माइक्रोफेरेड, कितनी आ गई, 20 माइक्रोफेरेड, ठीक है ना, ये इक्विवेलेंट सीरीज में थी आप, दैट मींस अब ये टोटल कैपेसिटेंस हो गई ना, तो मैं टोटल चार्ज निकालना चाहता हूं, कैसे निकल जाएगा, टोटल चार्ज मेरा यहां से निकल जाएगा, सी की वैल्यू कितनी है, 20 माइक्रोफेरेड, ठीक है ना, 20 माइक्रोफेरेड इंटू पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी, बोला 4200 वोल्ट निकल दिया, निकल गया, ठीक है ना, क्यू इज इक्वल टू 42 × 2 = 84, और ये 30 और ये माइक्रोफेरेड, ठीक है ना, 84,000 माइक्रोफेरेड, अच्छा सॉरी फेरेड इंटू वोल्ट होता है कूलम, तो चार्ज की यूनिट क्या हो गई आपकी, इतने कूलम, ठीक है ना, तो ये अपन ने क्यों निकाल दिया। दूसरा क्वेश्चन समझो, तो मतलब चीजों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके चलना है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन में अपन समझेंगे कि भाई अब आपको कंडीशन मिल जाए, हर क्वेश्चन इसी टाइप का नहीं करेंगे, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वेरिएशन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है ना। अब लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है उसे में नोट करना चाहो तो फास्ट को नोट कर लेना, ठीक है ना। लिखो दूसरा क्वेश्चन आपको, लिखो इस तरह से मिलेगा कि मान लो आपके सामने कंडीशन जो है ये बना दी, अब अपन को उसको पहचानना है कि भाई कंडीशन किस तरह से क्या क्या बन सकती है। ये आपके साथ एक कैपेसिटर लगा के रख दिया, ये एक बैटरी लगा दी, ये एक कैपेसिटर लगा दिया, और यहां पे इसको बैटरी को इस तरह जोड़ दिया, और ये हमारे सामने कनेक्शन करा दिया ऐसे, ठीक है। लेट्स से ये 5 माइक्रोफेरेड, ये 5 माइक्रोफेरेड, और ये आपकी कितनी हो गई, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ, और आपको निकालना क्या है इसके अंदर, इसके अंदर आपको निकालना है फिर से टोटल चार्ज, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कंडीशन को चेंज करेंगे, ठीक है ना। आपको टोटल चार्ज निकालना, क्या निकालना, टोटल चार्ज, कैसे निकालेंगे टोटल चार्ज, तो पहले मुझे फिर से जरूरत है ना Q = CV, तो Q = CV, C का मतलब क्या है, टोटल कैपेसिटेंस इंटू टोटल पोटेंशियल, तो टोटल कैपेसिटेंस का मतलब क्या है कि मुझे इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, निकाल दूंगा, लेकिन पहले मुझे समझ में तो आ जाए सीरीज में या पैरेलल में, तो देखो एक बार, देखो ध्यान से, मुझे अगर एक लाइन में चल रहे हैं तो बोला ये एक के बाद एक के बाद एक, तो क्या आ गई, बोला सीरीज है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि चार्ज जहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, चार्ज को दो रास्ते मिल जाए तो समझ लेना ये पैरेलल में है। अच्छा देखो, चार्ज यहां से निकला पॉजिटिव, और उसको कितने रास्ते मिल गए, बोला इसको एक रास्ता ये मिल गया और एक रास्ता ये मिल गया, ठीक है ना। अच्छा, आपके दिमाग में ये डाउट आ सकता है, अगर नहीं आया तो आना चाहिए, कि ये चार्ज यहां से, ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा चार्ज यहां से होते हुए यहां से उधर आ जाए, तो हमारा आंसर नहीं। देखो ये चार्ज, दैट मींस अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसमें से पॉजिटिव चार्ज निकला, तो पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी होती है कि जहां पे उसको नेगेटिव मिल जाए वहां चला जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहां से निकलेगा और यहां पे पहुंचा। अब ये पॉजिटिव चार्ज आगे नहीं बढ़ेगा, क्यों जाएगा आगे, उसको तो नेगेटिव मिल गया पास में, तो वो क्या करेगा, यहां से अगर निकलेगा तो चार्ज यहां पे चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्या होगा, तो उसका मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं पहुंचा, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होगा, बोला ये चार्ज यहां से निकला, इसको दो रास्ते मिल गए, तो ये यहां से जाएगा, इसका मतलब क्या है कि यहां से चार्ज इसमें जाएगा ऐसे, और यहां से चार्ज जाएगा इसमें ऐसे, बात समझ गए। तो ये किसमें है, देखो चार्ज यहां से बट गया, ऊपर गया एक नीचे गया, तो किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। तो क्या निकालोगे, बोला पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर अपन समझते हैं, बोला पहले इसको सिंप्लीफाइड बना लेते हैं, कैसे बना लेते हैं, सिंप्लीफाइड। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अपन से ये कहती है कि भाई ये बन गया, सॉरी अब इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाना है ना, तो देखो एक ये हो गया और एक ये हो गया, और ये अपन ने इस तरह से बीच में कहीं भी एक बैटरी लगा दी। चलिए इस बैटरी का पोटेंशियल कितना, 10 वोल्ट, और ये कितना, 5, ये 5 माइक्रोफेरेड। अगर लिख के भी ना दूं 5 माइक्रोफेरेड, तो अपने मन से अज्यूम कर लेना कि 5 माइक्रोफेरेड ही है, क्या क्या माइक्रोफेरेड, तो निकाल देंगे। मतलब 5 और 5 पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा, 10 माइक्रोफेरेड। तो उसका मतलब है कि Q = 10 माइक्रोफेरेड इंटू आपका पोटेंशियल कितना हो गया, 10 वोल्ट। तो यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी हो गई, 100 माइक्रो कूलम, ठीक है। ये क्यों निकाल दिया आपने इस तरह से। अब एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जिसमें कुछ कंडीशन को अपन चेंज करेंगे, ठीक है। इसके बाद अर्थिंग वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसको हटाता हूं मैं, इससे बनेगा ना आपका, ठीक है। चलो हो, देखो ध्यान से,
टेंशन ना लो, इसके बाद एक वीडियो और करेंगे, उसमें आपका जो है ना बहुत सारी चीज़ें आपकी खत्म हो जाएंगी। आज ही आज की वीडियो पूरी देखना तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। मान लो तीसरा क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिया है, अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कैपेसिटेंस के अक्रॉस। ये आपको पहला कैपेसिटर दिया, इसके बाद ये दूसरा कैपेसिटर लगा दिया 5 माइक्रोफेरड, और ये यहाँ से एक बैटरी लगा दी, ये बैटरी लगा दी, और यहाँ पे एक तीसरा कैपेसिटर लगा दिया 5 माइक्रोफेरड, ये कैपेसिटर है, ठीक है। और यहाँ पे ये इस तरह से ये कंडीशन दे दी, ये 10 माइक्रोफेरड, ये 5 माइक्रोफेरड और ये 5 माइक्रोफेरड, ये कंडीशन दे दी, और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 माइक्रोफेरड, ये 10 माइक्रोफेरड कैपेसिटर, ठीक है। चलिए बात को समझना, क्या कह दिया आपसे, आपसे कह दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस 10 माइक्रोफेरड कैपेसिटर। कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है कि पहले तो आपको क्वेश्चन समझ जाना है। अब तो आप समझ गए होंगे कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, लेकिन आपको पहले क्वेश्चन समझना है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 माइक्रोफेरड कैपेसिटर का मतलब क्या है। तो उसका मतलब यह है कि 6 वोल्ट की ये बैटरी है, ठीक है। इसका जब चार्ज यहां से आगे बढ़ेगा, यहां से आगे बढ़ेगा, तो 6 वोल्ट यहां तक इसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई, तो फिर पोटेंशियल की वैल्यू भी नहीं बदली। लेकिन जैसे ये कैपेसिटर इसके रास्ते में रुकावट बन के आ गया, तो अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो गया, पोटेंशियल का अंतर सेट हो गया, 6 वोल्ट से पोटेंशियल की वैल्यू कुछ ड्रॉप हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, तो बस यही मुझे निकालना है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल का अंतर कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन पहले मुझे समझना पड़ेगा कि इसकी सिंप्लीफाइड सर्किट कैसी है, ठीक है ना, क्योंकि उसके हिसाब से मैं देखूंगा। जैसे मान लो अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मेरे पास फॉर्मूला होता है Q = C × V, ठीक है। अब देखो यहां पे V = क्या होता है, बोला Q/C, ठीक है ना, V = क्या होता है, Q/C। अच्छा, अब देखो मैं क्या कहूंगा, बोला Q1/C1 भी हो सकता है अगर पैरेलल में होगा तो, ठीक है। नहीं समझ में आया, तो अब आप समझ लो, अगर ये मैं ऐसे कह दूं कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड कर लूं, क्या कर लूं, सिंप्लीफाई कर लूं, तो सिंप्लीफाई करने से कैसा दिखेगा, सिंप्लीफाई करने से ये ऐसा दिखेगा। देखो ध्यान से, ये 40 माइक्रोफेरड, ये सॉरी 10 माइक्रोफेरड, ठीक है। इसके बाद चार्ज आया यहां पे, और यहां से ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ये और एक यहां पे, ठीक है। तो मैं क्या बोलूं कि 40 माइक्रोफेरेड से पास होकर के चार्ज दो पॉइंट में यानी कि दो कैपेसिटर में डिवाइड हो गया, एक ये 10 माइक्रोफेरेड और ये आपका 5 माइक्रोफेरेड और ये आपका फिर से 5 माइक्रोफेरेड, ठीक है। चलिए आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, देखो ये जो है ना, ये जो है 10 माइक्रोफेरेड और ये पूरा सिस्टम, इसका मतलब है कि ये 10 माइक्रोफेरेड और ये दोनों मिलके 10 माइक्रोफेरेड किस में है, बोला सीरीज में है, नहीं सीरीज में बताना पड़ेगा ना, ये 10 माइक्रोफेरेड और ये 5 और 5 मिलकर के ये दोनों इकट्ठे हो गए किस में, सीरीज में। नहीं समझ में आया, इसको क्या करें, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 10 माइक्रोफेरेड, ठीक है, ये दोनों पैरेलल में है, इन दोनों का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल में ऐड हो जाते हैं। तो देखो ये बैटरी लगा दी, ये देखो 10 माइक्रोफेरेड, ये दोनों पैरेलल में है, तो ये ऐड होकर कितनी हो गई, ये भी 10 माइक्रोफेरेड हो गई, ठीक है। समझ में आया, ये बैटरी कितने की लगी हुई, 6 वोल्ट की, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना, मुझे क्या करना है, इसके अक्रॉस चार्ज निकाल, सॉरी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मैं जानता हूं कि सीरीज में जितना चार्ज इससे पास होगा उतना ही चार्ज इससे पास होगा, समझ गए। तो इसका मतलब क्या है कि मैं ये निकाल लूं कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, उसके बाद मुझे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पता पड़ जाएगी। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे, सबसे पहले सीपी की वैल्यू मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, तो देखो 10 × 10 आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कैसे निकालते हैं, 10 × 10 / 10 + 10 यानी कि 100/20, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 माइक्रोफेरेड, कितनी आ गई, 5 माइक्रोफेरेड। इस पूरे सर्किट की जो कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफेरेड आ गई, ठीक है ना। अब मैं जानता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन में Q = CV, चार्ज निकालना है ना, क्या निकालना है मुझे, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, तो देखो क्या करना चाहिए मुझे, ठीक है, देखो मुझे क्या करना है, पहले मुझे क्या निकालना है, इसके पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो क्या करूं मैं, ऐसा कर लेता हूं कि यहां पर Q = CV, तो यहां पर कंडीशन क्या है अपनी,
क्यू इज इक्वल टू सी वी। सी वी का मतलब क्या है, इसका पूरी कैपेसिटी कितनी हो गई, बोला 5 इंटू 5 माइक्रोफेरेड। वी की वैल्यू कितनी है, तो वी की वैल्यू अपने पास 6 वोल्ट, तो यहां पर कितना हो गया, ये 5 माइक्रोफेरेड है ना, तो क्यू इज इक्वल टू 30 माइक्रो कूलाम, कितना हो गया 30 माइक्रो कूलाम, ये क्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमें निकालना क्या है, ये निकाल दिया हमने कि टोटल सर्किट का, पूरी सर्किट के अंदर इतना चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, V1 क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, तो मैंने क्या नाम दे दिया इसको V1, तो V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू हो जाएगा Q/C1, क्या हो जाएगा Q/C1, क्या हो जाएगा Q/C1। अच्छा, ये सारा काम हमने क्यों किया, ये सारा काम हमने इसलिए किया क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में सबके पास चार्ज बराबर होता है जो कि कैपिटल Q होगा। ठीक है ना, तो हम निकालते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में V1 इज इक्वल टू Q/C1। ठीक है, हम जाते तो उसमें Q1/C1 कर सकते थे, लेकिन हमारा आंसर गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि Q1/C1 करोगे तो Q1 Q2 Q3 तो जब लेते हैं ना, जब हमारी जो है ना चार्ज की वैल्यू अलग अलग हो, अगर चार्ज की वैल्यू पूरे उस सर्किट में हमारी सेम रहती है तो फिर क्या करते हैं, तो फिर हमें कैपिटल Q की वैल्यू यानी कि एक इकट्ठे चार्ज की वैल्यू निकालनी होती है तब हम निकाल पाते हैं। तो V1 इज इक्वल टू कैपिटल Q/C1, तो V1 इज इक्वल टू कैपिटल क्यू की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी, 30 माइक्रो कूलम। C1 की वैल्यू कितनी आ गई, C1 देखो C1 क्या है, इतना पहले वाले कैपेसिटर की वैल्यू 10 माइक्रोफेरेड, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो V1 की वैल्यू आ गई 3 वोल्ट, कितनी आ गई 3 वोल्ट। 3 वोल्ट का मतलब है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। बात ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप वाले, ठीक है। इसके बाद हम कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें हम और बड़े बड़े से थोड़े से कॉम्प्लेक्स लेकिन इजी सर्किट को, कॉम्प्लेक्स दिखेंगे लेकिन इजी होते हैं, उनको अपन जो है ना आराम से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब अपन इतनी रिजिड सी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है ना, लेकिन इससे पहले कुछ अर्थिंग वाले क्वेश्चन अपन करते हैं। कौन से अर्थिंग वाले क्वेश्चन, जिससे जो है ना किसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाता है आपकी उसमें अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। तो एक काम करो, आप इसको नोट कर लो, नोट करो फास्ट, हटा दे इसको, चलिए ठीक है। देखो, ध्यान दो, अब जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो क्वेश्चन एकदम थोड़ा सा अर्थिंग करेंगे उसके अंदर, और जो सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर सेम होंगे, ठीक है ना, फिर वापस से अपने सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो, अर्थिंग वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिशन में भी आते हैं, ठीक है, ये नहीं था अपना, चलो ये था, ठीक है ना। तो देखो, अब अर्थिंग वाले क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे कि लेट से जी देखो, एक क्वेश्चन आपको सबसे पहले ये दिया गया कि 90 वोल्ट ये कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है और ये तीसरा कैपेसिटर है, ठीक है ना, ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर जो है ना ये अर्थ है ना, इसको अर्थ कर दिया, ठीक है, और पहले कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया, पहले कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया बैटरी के एक पॉजिटिव टर्मिनल से, दैट मींस 90 वोल्ट से, ठीक है, किससे कनेक्ट कर दिया, पहले कैपेसिटर का मतलब कैपेसिटर की इस प्लेट का जो पोटेंशियल है वो प्लस 90 वोल्ट रख दिया, ठीक है, इस दूसरे वाले जो लास्ट वाला कैपेसिटर है उसकी ये वाली प्लेट को अर्थ कर दिया, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब समझो, जिस प्लेट को अर्थ कर दिया जाता है, जिस प्लेट की अर्थिंग की जाती है उसका जो सारा का सारा चार्ज है वो एकदम पीछे चला गया, है ना, अर्थ में चला गया, तो हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि इसका पोटेंशियल कितना हो गया, मतलब 0 वोल्ट, कितना हो गया 0 वोल्ट। तो याद रखना कि जिस प्लेट को अर्थ किया जाएगा उसका पोटेंशियल 0 वोल्ट, ठीक है ना, इसका पोटेंशियल कितना है दिया 90 वोल्ट। अब आपसे पूछ रहा है कि इसके अक्रॉस आप पोटेंशियल बताओ, क्या बताओ, इसके अक्रॉस पोटेंशियल बताओ, दैट मीन्स V2 की वैल्यू आपको निकालनी है, समझ गए, V2 की वैल्यू आपको निकालनी है, कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले हम जानते हैं कि ये किस में कनेक्ट है, तो बोला ये सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज का मतलब है कि इन तीनों के अंदर जो चार्ज होगा वो सेम होगा, क्या होगा, इन तीनों के अंदर चार्ज होगा वो सेम होगा। हम जानते हैं कि अगर मुझे V2 निकालना है तो V2 का मतलब है Q/C, समझ गए, Q तो सब में सेम रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, Q तो सब में सेम रहेगा, तो देखो सिंपल सी बात है, मुझे V2 निकालना है तो Q/C2 करना पड़ेगा, और अगर Q निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल C इंटू कैपिटल, दैट मीन्स अगर मुझे V2 निकालना है स्मॉल वोल्टेज, क्या करूंगा, टोटल चार्ज अपॉन C2, ठीक है, लेकिन अगर मुझे Q निकालना है तो Q के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल चार्ज है ना, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए टोटल कैपेसिटेंस इंटू टोटल वोल्टेज, ये करना पड़ेगा मुझे,
ठीक है ना। तो पहले मैं काम करता हूँ क्या निकालने के लिए, क्यू निकालने के लिए। तो क्यू निकालने के लिए मुझे टोटल चार्ज इक्वल टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल पोटेंशियल, तो टोटल कैपेसिटेंस निकालता हूँ। कैसे निकालूंगा, तो देखो ये तीनों के तीनों किस में है, मतलब तीनों के तीनों है अपने सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। मान लो कि इसका जो पोटेंशियल, इसका जो है 10 माइक्रोफेरेड, 20 माइक्रोफेरेड और ये 30 माइक्रोफेरेड, इस तरह से जो है ना कैपेसिटेंस है, सीरीज में कनेक्ट है। तो 1 upon Cs इज इक्वल टू 1 upon 10, 1 upon 20 प्लस 1 upon 30, ठीक है। LCM ले लिया अपन ने, कितना आ गया, ये आ गया अपना 30, तो ये आपका 3 प्लस, हाँ जी 0 0, ठीक है। LCM आपका 60 आ जाएगा, ये 60, तो ये आपका हो जाएगा 6 + 3 प्लस आपका 2, ठीक है ना। तो 1 upon Cs की वैल्यू जो आ गई अपनी 11 upon 60, तो इसका मतलब है Cs की वैल्यू कितनी आ गई, 60 upon 11 माइक्रो फैराड, 60 upon 11 माइक्रो फैराड, ये आ गई आपकी टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो मेरे पास टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई। चलिए तो मैं इसको क्या लिखूं, टोटल कैपेसिटेंस, तो यहां पर क्या है, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू 60 upon 11 इंटू वी की वैल्यू क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है, बोला ये 90 और ये 0, तो उसका मतलब है 90 - 0, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितने का, बोला इतने का। तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया, बोला Q इज इक्वल टू हो गया, आप जो है ना इसमें एक काम कर दो कि डिवाइड करोगे तो ये आपका जो है 5.5 मान लो उसको, 5.4 मान लो उसको, ठीक है ना, 5.4। तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया, Q इज इक्वल टू हो गया आपका 5.4, तो आपका ये 90, तो ये 9.5 36 एंड 9.5 45 और ये 48 और ये 0, तो इसका मतलब 486 माइक्रो कूलाम चार्ज, 486 माइक्रो कूलाम चार्ज जो है ना इन तीनों के अंदर फ्लो होगा। क्लियर इतनी बात, चीजों को समझना। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है V2, तो V2 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, Q upon C2, तो Q की वैल्यू कितनी, मतलब Q की वैल्यू मुझे पता पड़ गई 486 माइक्रो कूलाम अपॉन में क्या है, बोला C2, C2 की वैल्यू कितनी है, बोला 20 माइक्रो फैराड, तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा और 20 का मतलब क्या है, 20 का मतलब यह है आपका ये 48.6, तो V2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 48 यानी कि 24.6 वोल्ट। तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई, 24.6 वोल्ट, कितनी आ गई, 24.6 वोल्ट। क्लियर इतनी बात। इसके बाद क्या है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा अर्थिंग वाला, तो किसी भी चीज के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से निकाला जाता है, अब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। देखो क्या करें, इसको हटाते हैं, ठीक। इसके बाद फिर से वही सर्किट्स पाएंगे और आपको जो है क्लियरिटी होती जाएगी। दूसरा क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है, कंडीशन सेम है लेकिन इस बार आपको थोड़ा सा और ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये इस तरह से कैपेसिटर लगाए हुए हैं, ठीक है ना, ये एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर। अब ये वाली प्लेट्स को जो है ना अर्थ कर दिया, ठीक है ना, और आपसे कह दिया गया कि भाई इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है ना, इस पॉइंट का पोटेंशियल है 1200 वोल्ट है, 1200 वोल्ट, ठीक है ना। इसका जो वो दे दिया आपको 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस की वैल्यू, इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू दी आपको 4 माइक्रोफेरेड और इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू दी आपको 2 माइक्रोफेरेड। पूछ रहा है कि ये जो पोटेंशियल, ये जो कैपेसिटेंस, फर्स्ट कैपेसिटर है ना C1, इस C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ठीक है ना। तो एक बात समझ के चलो कि C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कैसे पता पड़ेगा, आराम से पता पड़ जाएगा। पहले आप एक बार क्वेश्चन को सुन लो, क्वेश्चन में आपसे कह दिया कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किसके अक्रॉस, C1 के अक्रॉस निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो देखो मैंने कहा यहां पर कि ये पॉइंट लेट से हो गया ए पर कितना पोटेंशियल हुआ 1200 वोल्ट, जैसे ही इस ए से ये चीज पहुंचेगी, मतलब चार्ज पहुंचेगा बी पे, तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, है ना, क्योंकि 1200 रुकावट आ गई, रुकावट क्रॉस किया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो मुझे निकालना है BAB। क्या निकालना है, BAB, बहुत सुंदर बात है, ठीक है। इसके बाद देखो, अगर मैं VAB निकालना चाहता हूँ, दैट्स ऑल, मुझे और कुछ नहीं करना है, तो अगर मुझे VAB निकालना है तो पहले मुझे कुछ बातें पता होनी चाहिए ना, कि ये देखो ये 1200 वोल्ट पे, ये कितने पे, बोला ये है 0 वोल्ट पे, क्योंकि ये अर्थ है ना, तो ये हो गया आपका पॉइंट सी,
ठीक है, वी ए बी अगर मुझे निकालना है तो वी ए बी का मतलब यह है कि जैसे मान लो जो भी चार्ज आ रहा होगा इससे इस सर्किट का, क्योंकि ये सबसे पहले पढ़ रहा है, इससे पूरा चार्ज फ्लो होगा, क्या होगा, पूरा चार्ज फ्लो। तो इसका मतलब वी ए बी का फॉर्मूला होगा क्यू अपॉन सी वन, क्यू अपॉन सी वन, बहुत सुंदर बात है। अब दो बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे क्या है कि अकेले इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, बोलो क्यू, बात समझ गए, देखो पूरा चार्ज किससे फ्लो हो रहा है, इससे फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, इससे भी होगा लेकिन सबसे पहले किससे फ्लो हो रहा है, इससे, यानी कि अगर मुझे इसकी कोई भी चीज निकालनी है तो उसके लिए मुझे पूरा चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा Q, और Q को कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटेंस इंटू टोटल वोल्टेज, ठीक है, समझ गए बात को। तो मैंने कहा कि बोले Q इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटेंस, कैसे निकालेंगे, तो देखो ध्यान से, टोटल कैपेसिटेंस है इसका मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ऐसे निकाल सकते हैं अपन कि अगर मैं इसको जो है सॉल्व करूं तो मुझे समझ में आता है कि ये जो है ये 3 माइक्रोफेरेड पे है, मतलब ये 3, ठीक है, ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में ऐड हो जाती है सिंपल, ये 3 माइक्रोफेरेड और ये पैरेलल में है तो ये आपका 4 और 2 6 6 माइक्रोफेरेड, ठीक है ना, ये आपका कॉम्बिनेशन बन गया और ये आपका अर्थिंग है, ठीक है। चलिए अब ये अभी किस में पहुंच गए, बोला ये सीरीज में पहुंच गए, सीरीज में पहुंच गए तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, बोला ये 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6, यानी कि ये आपका 18 डिवाइडेड बाय 9, तो इसका मतलब है कि इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई 2 माइक्रो फैराड, कितनी आ गई 2 माइक्रो फैराड, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पास सी की वैल्यू निकले कितनी आ गई 2 माइक्रो फैराड, बस ये सी की वैल्यू उठा करके मैं यहां पे पुट कर देता हूं 2 माइक्रो फैराड, ये यूनिट है, ठीक है, इनटू V की वैल्यू क्या है, इस पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे 1200 यहाँ पे 0, तो उसका मतलब कितना हो गया 1200 वोल्ट, देखो ये Q इज इक्वल टू 20, ये कितना है बोला 2 इंटू 1200 कितना होगा 2400 माइक्रो फेराड, तो ये फेराड इंटू वोल्ट कितना हो कूलाम, तो ये माइक्रो कूलाम हो गया, ठीक है। चलिए ये किसकी वैल्यू आ गई, बोला ये Q की वैल्यू आ गई, निकाल दी हमने टोटल चार्ज, ठीक है, क्या निकालना है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर, ठीक है, तो VAB, ठीक है, कैसे निकालेंगे, Q का मतलब क्या है, टोटल चार्ज कितना है, बोला 2400 माइक्रो कूलाम डिवाइडेड बाय Q अपॉन C1, C1 की वैल्यू क्या है 3 माइक्रो फेराड, तो 3 इंटू माइक्रो फेराड, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो गया, ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे 3 से ये कितना 800, तो मैं क्या बोलूंगा VAB की वैल्यू कितनी आ गई 800 वोल्ट, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों के बीच में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 800 का, कितने का आ गया 800 का, VA और B के बीच में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 800 का, तो उसका मतलब ये होगा ना कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं VA माइनस VB इज इक्वल टू 800, ठीक है, VA की वैल्यू कितनी थी, बोला 1200 वोल्ट, VB की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो 800 वोल्ट, तो यहां से इतना हो जाएगा, मतलब VB इज इक्वल टू 400 वोल्ट, तो मुझे सारी बातें पता पड़ गई कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आ गया, बोला 800 वोल्ट, ठीक है, समझ में आ गई, तो देखो ये 1200 वोल्ट पे है और ये 400 वोल्ट पे है, ये कितने पे हो जाएगा, बोला ये 0 पे हो जाएगा, समझ गए, तो देखो ये 400 पे है तो ये भी 400 ये भी 400, ठीक है ना, बात समझ गए। चलो देखो अगर मैं आपसे, चलो एक चीज़ और कह दूँ, एक चीज़ पूछ सकता हूँ आपसे, अगर मैं आपसे कह दूँ कि अगर मुझे इसमें Q1 Q2 Q3 तीनों की वैल्यू निकालनी है, किस किस की, Q1 Q2 Q3 तीनों की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगी, तो देखो Q1 की वैल्यू कितनी हो गई, बोला इसमें तो पूरा चार्ज आ रहा है ना, तो इसमें Q की वैल्यू कितनी हो गई 24, दैट मीन्स 2 माइक्रो फेराड है, कितना है, हाँ जी इसमें कितनी होगी, बोले 24 माइक्रो कूलाम, ये किसकी वैल्यू हुई, क्यू की वैल्यू हो गई, तो इसमें से कितना चार्ज फ्लो होगा, पूरा चार्ज, और पूरा कितना है 2400 माइक्रो कूलाम, इसमें कितना चार्ज पहुंचेगा, देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे, इसमें कितना चार्ज पहुंचेगा, देखो मैंने कहा कि भाई ये Q2 पहुंचेगा इसके अंदर और इसके अंदर पहुंचेगा Q3, ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का सिंपल सा तरीका यह है कि भाई Q1 इज इक्वल टू आपका C1 इंटू V1, सॉरी Q2 ऐसे बोलो, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V2, तो C2 की वैल्यू क्या, C2 की वैल्यू है मेरे पास 4 माइक्रोफेरेड इंटू V2 की वैल्यू क्या, देखो V2 इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना, बोला 400 वोल्ट, तो यहाँ पे Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब ये आपका 1600 माइक्रो कूलाम, कितनी आ गई 1600 माइक्रो
कूलाम, ये Q2। इसी तरह से क्या निकाल दोगे, मतलब Q3 की वैल्यू निकाल दोगे, Q3 कितना हो जाएगा, ये आपका C3 into V3, तो C3 की वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड into कितना हो जाएगा 400 वोल्ट, तो Q3 की वैल्यू कितनी आ गई, Q3 की वैल्यू हो गई आपकी 800 माइक्रो कूलाम। अब देखो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ इसको Q2 Q3 को ऐड करूँगा तो वापस से मुझे कितना मिल जाएगा 2400 माइक्रो कूलाम चार्ज, ठीक है, जो कि अपना टोटल है। क्लियर है इतनी बात। तो इस तरह से अपन इसको अर्थिंग वाले क्वेश्चन को भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस किसी के भी अक्रॉस निकालने अगर आ जाता है तो आप निकाल पाओगे क्या, निकाल पाओगे ना आप। चलिए ठीक है, अब करते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन और वापस कहाँ पे आते हैं, वापस आते हैं आपके पैरेलल जो कॉम्बिनेशन अपन चला रहे थे ना वहीं पे पहुंचते हैं, ठीक है ना। चलिए देखो एक काम करो, इसमें क्या निकालना है आपको, इसमें निकाल के दिखाओ टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी, दैट मीन्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, ठीक है ना। तो देखो इसमें आपको कुछ वैल्यूज दी, मतलब 60 माइक्रोफेरेड, ये सभी वैल्यूज माइक्रोफेरेड में, 60 माइक्रोफेरेड और ये 60 माइक्रोफेरेड, ठीक है ना, ये आपका 5 माइक्रोफेरेड और ये आपका 5 माइक्रोफेरेड, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दो और बाकी सारी चीजें आप निकाल दोगे, तो क्या करेंगे इसको, इस सर्किट को सिंपलीफाइड बनाओ, क्या बनाओ उसको, इस सर्किट को सिंपलीफाइड बनाओ। कैसे बनाएंगे, तो देखो यहां से ये टोटल चार्ज इसमें से आएगा, ठीक है, इसके बाद कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, बोला ये चार्ज चला गया नीचे और ये चला गया ऐसे, तो ये देखो ये तीनों किसमें है, ये तीन लगा दिए, चार लगा दिए, चलो ठीक है, ये चारों किसमें है, ये चारों हैं अपने किसमें, ये चारों है सीरीज में, किसमें सीरीज में। अब ये चारों सीरीज में तो इनकी कैलकुलेशन कर लेंगे अपन, ठीक है। तो पहले अपन इसकी एक सिंपलीफाइड सर्किट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सिंपलीफाइड सर्किट, ठीक है ना। देखो यहां से ए से 40 माइक्रो कूलाम माइक्रोफेरेड का चार्ज नीचे आए ये आगे नीचे, ये देखो ये चार्ज यहां से यहां पे बढ़ गया, यानी कि ये दोनों किसमें है, ये दोनों पैरेलल में, ये चार्ज बढ़ गया, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में है ना। इन दोनों का अगर मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना चाहूं कितना हो जाएगा, पैरेलल में ऐड हो जाते हैं तो कितना हो गया, ये 10 माइक्रोफेरेड, कितना हो गया 10 माइक्रोफेरेड, ये कितना 40 माइक्रोफेरेड। चलिए यहां से अब आगे बढ़ गए क्योंकि ये तो अपन ने सॉल्व कर दिया ना, ये आगे बढ़ गए, यहां से देखो आओ 1 2 3 4, ठीक है, इन सब की ये किसमें है, सीरीज में, ये सीरीज में है ना, तो सबका एडिशन करना, समझ रहे हो, 1/60 1/60 1/60, तो अपन देखते हैं इसका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, 15 माइक्रोफेरेड, कितना आ जाएगा 15 माइक्रोफेरेड, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, चलो मैं इसको यहां लगा देता हूं 15 माइक्रोफेरेड, ठीक है, ठीक है, ये 15 माइक्रोफेरेड। अब देखो कैसे करेंगे, ये देखो अब अपन को ये पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं, तो उसका मतलब पैरेलल में ये ऐड हो जाएंगे, तो पैरेलल में अगर ये ऐड हो गए तो इनकी सिंपलीफाइड सर्किट क्या बनेगी, 40, और ये पैरेलल में है तो ऐड कर लो इसको, कितने हो जाएंगे ये 25 माइक्रोफेरेड और ये आपका 40 माइक्रोफेरेड, तो बस काम हो गया अपना, निकाल दो इसको, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हो जाएगा बी, ठीक है। अब दोनों ये किस में आ गए, बोलो सीरीज में आ गए, सीरीज का फॉर्मूला क्या, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 40 × 25 / 40 + 25, दैट मीन 65, और ये आंसर आपका माइक्रोफेरेड में आ जाएगा, इसको सॉल्व कर देना और ये अपना कैपेसिटेंस का हो गया, ठीक है, अब अपन इस तरह से कर सकते हैं। चलिए अब आपको देखो दूसरी कंडीशन समझाते हैं जिसमें आपको क्या पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं, आप तो इस तरह के क्वेश्चन कर पाओगे आप आसानी से, ठीक है ना, काफी प्रैक्टिस हो रही है। चलो दूसरा क्वेश्चन समझो अब वो आपको किस तरह से मिलेगा, ठीक है ना, इसके बाद जो है ना फिर आते हैं अपन व्हीटस्टोन ब्रिज वाले प्रिंसिपल पर, किस पे, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखो पहली चीज मैं आपको बताऊं कि जो क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो आप इसको स्किप करने की कोशिश ना करें, ठीक है ना। इसके बाद अगली वीडियो में हम बाकी सारे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे ताकि हमारी वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए, ठीक है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, मेरे पास इस तरह की कंडीशन हम बनाते हैं कि लेट से ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये एक तीसरा कैपेसिटर है और एक चौथा कैपेसिटर मैंने लगा दिया, ठीक है। नाउ कंडीशन को समझना, ये आपको इस तरह से पॉइंट बता दिए कि ये एक वायर है सिंपल, इस वायर से लेके इस पॉइंट को कनेक्ट करा दिया, इस वायर से लेके इस पॉइंट को कनेक्ट करा दिया, लेट से ये पॉइंट है आपका ए, और अच्छा ऐसे देते हैं, ये पॉइंट हो गया लेट से आपका ए मान लो इसको, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, और इस पॉइंट को कोई भी नाम दे दो एक्स मान लो उसको, ठीक है। नाउ अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि भाई आपको इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी, क्या निकालनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अगर
अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं कि इन सभी की जो कैपेसिटेंस है वो 10 माइक्रोफेरेड है, कितनी है 10 माइक्रोफेरेड, तो कैसे निकालूंगा? तो बस मुझे पहचान लेना है कि ये अरेंजमेंट कैसा हो रहा, सीरीज में है या पैरेलल में। तो देखो सबसे पहले जरूरी बात क्या है, मुझे इस पे ध्यान देना होता है कि जब तक रास्ते में रुकावट ना आए पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो अगर मैंने माना कि इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर ए है, तो ये देखो यहां से अगर मैं जाता हूं, यहां से गया तो रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं आई, तो फिर इसके हिसाब से इस जगह का पोटेंशियल कितना होना चाहिए, ए। ठीक है, ये वायर से कनेक्ट है ना। अगर मैं यहां से यहां बढ़ता हूं, अगर मैं यहां से यहां जाता हूं, तो फिर रास्ते में रुकावट आएगी, और मैंने कहा रुकावट आई तो पोटेंशियल की वैल्यू में चेंज हुआ, और मैंने कह दिया कि इस पॉइंट का पोटेंशियल है बी। ध्यान से देखना, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल है बी, तो फिर इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना होना चाहिए, मतलब बी होना चाहिए। ठीक है, चलो तो ये बी हो गया। अब इसके बाद इसको क्रॉस करेंगे तो यहां का कुछ पोटेंशियल होगा एक्स। अब मुझे ये देखना है कि ये सीरीज में या पैरेलल में, तो बस मुझे कुछ नहीं करना। तो देखो पहले ए और बी के बीच में कितने कैपेसिटेंस हैं, ए और बी के बीच में कितने कैपेसिटर लगा है, बोला एक लगा है। ठीक है, ए और बी के बीच में ये दूसरा कैपेसिटर, तो मैं ऐसे लगा देता हूं दूसरा कैपेसिटर। ठीक है, इसके बाद ए और बी के बीच में ये तीसरा कैपेसिटर लगा हुआ है, तो मैं तीसरा कैपेसिटर यहां पे ऐसे लगा देता हूं। इसके बाद ये रहा बी, ये बी और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर है, तो मैं इसको इस तरह से लगा देता हूं। तो ये हो गया अपना, ये बी और ये एक्स, सब तीनों 10 10 के है ना, तो ये 10 10 10, तो इसका मतलब है ये हो गई अपनी 30 माइक्रोफेरेड, और ये अपनी सीरीज में है, ये कितने का है 10 माइक्रोफेरेड, सबकी वैल्यू सेम है। तो मैं क्या बोलूंगा, लेट से ये ए है, ये एक्स है, तो सबकी जो कैपेसिटेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये सीरीज में है, सीरीज में जानता हूँ कितना होगा 30 इंटू आपका 10 अपॉन 40। ठीक है ना, तो ये अपन ने रेजिस्टेंस की कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी निकाल दी, 7.2 या 7.3 या 7.4 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू हो गई। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में अपन कर पाएंगे। लेट से नाउ, अब आपको कंडीशन इस तरह से बना के दे दी जाती है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो। नोट कर लिया आपने इस क्वेश्चन को, चलिए अब आपको क्या है इसको हटाते पहले। ठीक है, तो नाउ ये दो क्वेश्चंस और करेंगे हम, इसके बाद आज की क्लास को ऑफ करेंगे, लेकिन ये दो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए बढ़ेगा। ठीक है ना, देखो तो सबसे पहले आपको इस तरह से खुद ब खुद आपको फिगर दे दिया, और आपसे कह दिया कि भाई हर किसी की जो रेजिस्ट कैपेसिटेंस है वो 10 माइक्रोफेरेड है, तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि सर्किट की जो पूरी रेजिस्टेंस, जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी। तो देखो सिंपल सी बात है कि मेरे पास जो है ना, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटेंस है, तो मैं इसको ऐसे बना दूं, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटेंस है। ठीक है, अब देखो ए और डी के बीच में एक कैपेसिटेंस है, तो ये और ए और डी के बीच में एक कैपेसिटेंस है। ठीक है, नाउ यहां पे देखो बी और सी के बीच में एक कैपेसिटेंस है, तो मैंने ये बनाया बी और सी के बीच में एक कैपेसिटर, मतलब एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद सी और डी के बीच में एक कैपेसिटर लगा है, देखो ये आपका D, तो C और D के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया। B और D के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये B और D के बीच में एक कैपेसिटर हो गया। ठीक है, इन सबकी जो रेजिस्टेंस, इन सबकी कैपेसिटेंस कितनी है, बोले 10 माइक्रोफेरेड सबकी। जब ऐसी कंडीशन बन जाए ना, जब ऐसी कंडीशन बन जाए, तो याद रखना ये जो कंडीशन है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है। व्हीटस्टोन ब्रिज आपने अभी नहीं पढ़ा है ना, अब आगे जाके नेक्स्ट यूनिट में पढ़ोगे, तो याद रखना ये कंडीशन कौन सी है, ये कंडीशन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की है। तो चार्ज जो है ना इसके अंदर फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से आने की कोशिश करेगा और अगर यहां से आने की कोशिश करेगा तो इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, और जब इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा तो हम इसको बोलेंगे कि इसके अंदर ये हमारे पास है ही नहीं। तो अब देखो, अब अगर मैं इसको बनाना चाहूं, इस सर्किट को रीड्रॉ करना चाहूं, तो कैसे हो जाएगी, देखो यहां से चार्ज गया, ये इस तरह से यहां से और इस तरह से यहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये मैं इसको रीड्रॉ करूं और ये मेरा इस तरह से सर्किट ये बन गई। बात समझ में आई, ठीक है ना। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, देखो ना ये यहां से चार्ज गया, वो दो रास्ते में डिवाइड हो गया, ये ए से लेके बी और बी से लेके सी, ये ए से लेके डी और डी से लेके सी, तो यहां से हो गया ना ये ए, ए से लेके बी, बी से लेके सी और ए डी, डी से लेके सी। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना, ये सीरीज में है, सीरीज में कितना हो जाएगा, लो 5, और ये कितना है, ये भी सीरीज में, ये हो जाएगा 5, तो यहां से ये दोनों फिर पैरेलल में हो जाएंगे, और पैरेलल में होने के बाद ये आंसर आ जाएगा आपका 10 माइक्रोफेरेड। कैलकुलेशन वाला पार्ट कर लोगे, मेन चीज क्या है, मेन चीज है इसको संभालना, ठीक है ना। चलिए अब देखो, आपको ये कंडीशन बना के दे दी गई कि आपके पास जो है ना ये सर्किट है, ठीक है ना, हर किसी की जो वैल्यू है वो कितनी है, हर कैपेसिटर की वैल्यू है 10 माइक्रो फैराड।
ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया और कह दिया गया कि भाई एक काम करो, इसमें जो है ना नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी इसको कैलकुलेट करो। ठीक है, तो देखो मैंने कहा अगर इस पॉइंट का कैपेसिटेंस है ए, तो देखो इसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई, तो इसका भी कैपेसिटेंस कितनी होगी, बोला ए सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस, क्या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखो ए से लेकर बी तक हम चले इस रास्ते से, चल गए। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल है बी, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा, बोला बी। ठीक है ना, समझ गए बात को। तो देखो अगर मैं कहूं ये 10 वोल्ट पे है और ये 10 वोल्ट पे है, दोनों 10-10 वोल्ट पे हैं, तो क्या कहीं से कहीं तक चार्ज फ्लो होगा, बोला नहीं होगा। तो ये जो है ना अपनी ये शॉर्ट सर्किट हो गई, क्या हो गई, शॉर्ट सर्किट, इसमें कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। मैंने कहा अब देखो ये बी है, इसका भी पोटेंशियल लेट से 50 वोल्ट और इसका पोटेंशियल 50 वोल्ट, तो क्या यहां पर जो है किसी भी तरह का चार्ज फ्लो होगा, देन हमारा आंसर नहीं। तो ये वाली भी क्या हो गई, शॉर्ट सर्किट हो गई। तो क्या बोलोगे, हियर ये जो है ना C1, C2, C3 ये शॉर्ट सर्किट हो गए, ये C4, C5, C6 क्या हो गए, ये शॉर्ट सर्किट हो गए, कौन बचा C4। तो C4 की जितनी भी वैल्यू होगी वही हो जाएगी इस सर्किट की नेट कैपेसिटेंस। बात समझ गए। तो इस तरह से हम बस इतना पता करके कि किसके बीच में कौन सी कैपेसिटेंस है, इसको पूरी तरीके से अरेंज करके हम जो है ना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज कुछ हमने क्वेश्चंस किए, इसके बाद अगले वीडियो में हम करेंगे इन्फिनाइट लैडर वाले क्वेश्चंस। ठीक है ना, और कुछ अर्थिंग वगैरह करके जो है ना थोड़ा बहुत चेंज वहां पर और करेंगे, तो इसके साथ साथ हमारा जो है ना बोर्ड के लिए अपना कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। चलिए तो आज के इस वीडियो में बस इतना रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, थैंक यू।